जनता की अदालत में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा, इन नेताओं को केस और मुकदमों का फर्क नहीं पड़ता, इनकी चमड़ी मोटी है। हालांकि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मेरी चमड़ी मोटी नहीं है, मुझे झूठे केस लगने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे चोर और भ्रष्टाचारी कहा जाता है तो फर्क पड़ता है। मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए इस्तीफा दिया। मैंने अपने जीवन में केवल इज्जत और ईमानदारी कमाई है, मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है। इन दिनों भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है। इस बीच उत्तराखंड में अब तक 7 लाख से अधिक नए सदस्य बीजेपी से जुड़ चुके हैं। इस अभियान के तहत बीजेपी ने 20 लाख से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बारे में बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी का उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि अच्छे और समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना है। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 18वीं लोकसभा के गठन के 100 दिन पूरे हो जाने के बाद भी संसदीय स्थायी समितियों का गठन नहीं हो पाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि संसद को अब अंधेरे कमरे के रूप में तब्दील किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की उप समिति अब उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर निर्णय लेगी। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 24 सितंबर को करने की बात कही है। सरकार कोर्ट में विधिक राय और कैबिनेट उप समिति के गठन की जानकारी देगी। इन दिनों हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में कुमारी शैलजा के भाजपा में शामिल होने की चर्चा जोरों पर रही है। इस बीच इस पर उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी हताशा का सामना कर रही है। उन्हें अपनी पार्टी संभालने से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में दिलचस्पी है। उनकी अपनी पार्टी का नैरेटिव काम नहीं कर रहा। उनके पास अपने 10 साल के कार्यकाल में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हरियाणा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। ऐसे में इस बीच हरियाणा के महम में रोड शो के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा जाता है कि हरियाणा में आपकी कितनी सीटें आ जाएंगी। मैं उनको कहता हूं बहुत सीटें आ जाएंगी, तो वे कहते हैं कि सर्वे में नहीं आ रही हैं। इस पर सीएम मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में आती है। झारखंड में राज्यसभा की मैया सम्मानी यात्रा 23 सितंबर से प्रारंभ होगी। गढ़वा जिले के वंशीधर नगर से आरंभ होगा। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि 25,000 आम सभा, 75,000 सभा और 1500 जगहों पर यात्रा का स्वागत समारोह होगा। आपको बता दें कि इसके पहले चरण में पलामू प्रमंडल के गढ़वा, डाल्टनगंज और लातेहार जिले से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसका नेतृत्व मंत्री बेबी देवी और विधायक कल्पना सोरेन करेंगी। बिहार के हाजीपुर के कई इलाकों में बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कुछ इलाकों में स्थिति भयावह है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि बाढ़ की स्थिति पर उनकी नजर बनी हुई है। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर आध्यात्मिक नेता और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने कहा, हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि 1857 में सिपाही विद्रोह कैसे हुआ था। अब हम देखते हैं कि हिंदुओं की भावनाएं कैसी हैं। इसे लड्डू से गहरा आघात पहुंचा है। ये कुछ ऐसा है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इस प्रक्रिया में शामिल लोगों के लालच की पराकाष्ठा है। इसलिए उनकी सभी संपत्तियों को कड़ी सजा देते हुए जब्त किया जाना चाहिए और उन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिए जो भी इस प्रक्रिया में दूर से भी शामिल है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 दिनों के भीतर दूसरी बार पत्र लिखा है, जिसमें आरोप लगाया है कि दामोदर घाटी निगम ने राज्य सरकार से सलाह लिए बिना अपने बांधों से एक तरफा पानी छोड़ा, जिससे कई जिले जलमग्न हो गए। ममता ने दावा किया कि DVC द्वारा एक तरफा पानी छोड़ने के परिणाम स्वरूप दक्षिण बंगाल के जिलों में बाढ़ से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है और व्यापक तबाही हुई है।